हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल शॉपर्स प्रोडक्ट्स। तो मैं हूं दक्ष। आज मैं आप लोगों को लेके आया हूं एयरपॉड्स प्रो क्लोन और एयरपॉड्स प्रो की अनबॉक्सिंग, और साथ में आपको रिव्यू देने वाला हूं कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। वैसे तो ऑब्वियसली ओरिजिनल अच्छा ही होगा, बट आपको बताने वाला हूं क्या क्या फ़र्क है। अगर आप 2500 का पीस खरीदते हैं और 25,000 का पीस खरीदते हैं तो आपको पता कैसे लगेगा कि कौन सा ओरिजिनल है। आप किसी एप्पल स्टोर की जगह किसी ऐसी दुकान से लेते हैं, आपको कैसे पता लगेगा, चलिए आपको बताते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेंगे, अगर यहाँ पे हम पहले बात करेंगे हमारे क्लोन वाले की, तो ये आ जाता है हमारा क्लोन। बिल्कुल लुक बिल्कुल सेम है, कोई फ़र्क आपको देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगा। इवन आपको बार कोड्स वगैरह भी देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। बट अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमें पिक्चर की जो क्वालिटी है वो अच्छी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे जो ऊपर की साइड पे ये पिक्चर थोड़ी सी बाहर है और ये पिक्चर बिल्कुल स्मूथ है, ठीक है, प्लेन है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे हमें आता है और दोनों को हम साथ में खोल लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ANC की मार्किंग देखने को मिल जाते हैं जो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। इसे ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसे ओपन कर लिया है, इसे भी ओपन कर लेते हैं, दोनों को आपका दिखा देते हैं, ठीक है। ये आ जाता है हमारा मैनुअल। यूज़र मैनुअल की बात कर ले तो दोनों लगभग सेम है, डिज़ाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया। ये थोड़ा अच्छी क्वालिटी है इस मामले में। चलिए इसे अंदर से देख लेते हैं। यहाँ पे हमें कुछ इस तरह से देखने को मैनुअल्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, ये ओरिजिनल है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे हमें एक ही मैनुअल देखने को मिलता है जो कुछ इस तरह से है तो ये भी ओरिजिनल बट एक है। इसमें यहाँ पे आपको कोई एप्पल की प्रिंट देखने को नहीं मिलेगी, जैसे लोगोस वगैरह ऊपर की साइड में, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, ठीक है। अब अगर मैं आपको इसका अंदर से बॉक्स दिखाऊंगा तो आप भी शॉक हो जाएंगे, क्योंकि मैं एज वेल एज मैं भी शॉक हो गया था कि ऐसे कैसे हो सकता है। बिल्कुल सेम, यस ये बिल्कुल सेम है, बस एक डब्बे का फ़र्क है। थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का ये डब्बा और साथ ही साथ ये थोड़ा बड़ा है, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़े से साइज में, ठीक है। अगर हम इसकी बात कर लें, फिलहाल इसे खोल लेते हैं। यहाँ पे ये आ जाता है हमारा एयरपॉड्स, तो अब दूसरा वाला भी खोल लेते हैं। एंड मैन प्रिटी शॉक टू, ये बिल्कुल ही सेम है, थोड़ा सा आपको ये हल्का देखने को मिलता है, बिल्कुल स्लाइटली हल्का है। अब मैंने इसे इसका वेट चेक किया था इन दोनों का, तो इसका जो वेट है फोर का 48 था, इसका 56 था, ठीक है, क्लोन वाले का 56 एंड ओरिजिनल का 48 ग्राम्स, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको लगेगा, अगर सामने से आप ध्यान से देखेंगे, मैं थोड़ा फ्लैश लाइट बंद कर देता हूँ, आपको पता लग जाएगा। यहाँ मैं करता हूँ थोड़ा जूम, फोकस कर दिया मैंने। यहाँ पे अगर आप इनकी लाइट्स में देखेंगे, यहाँ पे आपको छोटी लाइट देखने को मिलती है, बट ये यहाँ पे आपको बड़ी लाइट है। अगर हम इसे ओपन करते दोनों एक साथ ही ऑन हो जाएंगे, ये देख सकते हैं थोड़ी देर, ठीक है, ओरिजिनल थोड़ी सी स्लाइटली बाद हुई है, बट जो ये है क्लोन वो ऑन स्पॉट बंद हो गया, जस्ट इसमें इतना फ़र्क है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये थोड़ा सा जैसे इस पर खुलता है तो आपकी लाइट ऑन हो जाती है, ठीक है। मैंने इसको जब बंद किया तो ये थोड़ी देर ऑन बंद हो जाती है, बट यहाँ पे आप देख सकते ये ज़्यादा देर ऑन रहेगी आपकी इसके मुकाबले, ठीक है। हम बटन्स की फ़िलहाल बात कर लें, ये जो पीछे आपको बटन देखने को मिलता है, अगर आप टच फील करेंगे तो यहाँ पे आपको ये बटन थोड़ा अंदर दबा हुआ मिलेगा, बट यहाँ पे बिल्कुल स्मूथ बटन देखने को मिलेगा। ये ओरिजिनल है मैं फिर से बता दूँ, और ये डुप्लीकेट है, ठीक है। तो इसकी बात फ़िलहाल ख़त्म करते हैं। अब बात करें जो ये आपको पीछे से आपको ग्रे कलर की चीज़ देखने को मिलती है, ये क्या है, ये प्लास्टिक है, मेटल है, क्या है? तो मैं पहले बता दूँ एल्युमिनियम है, बट ये नकली वाले में ये आपको वो देखने को मिलता है, क्या नाम है, प्लास्टिक देखने को मिलता है, ठीक है। मैं फिर से बता दूँ कौन सा ओरिजिनल है कौन सा नकली है, फिर से एक बार देख लेते हैं, मुझे खुद याद नहीं आ रहा। तो ये हमारा है, दिस वन इज़ ओरिजिनल एंड दिस वन इज़ डुप्लीकेट, ठीक है, ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे आपको ये आपको एल्युमिनियम बिल्ट देखने को मिलती है, बट यहाँ पे आपको एज वेल एज प्लास्टिक की बिल्ट देखने को मिलती है। अंदर से बात करें, अंदर आपको एक ही चीज़ अलग लगेगी, वो मैं आपको बताता हूँ। इसको खोल देते हैं, हमने बाहर निकाल लिए, ये देख सकते हैं आपको नीचे यहाँ पे सील कोड देखने को मिलेगा, और जो ये बड्स दिए हुए हैं ये निकलते नहीं हैं, ठीक है, ये जुड़े हुए हैं, ये निकलते नहीं हैं, ठीक है। बट अगर हम ओरिजिनल की बात कर लें,
यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने इसे निकाल लिया, ये मैं कह रहा था ये मैग्नेट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कोई कॉस्मेटिक नहीं है, यहाँ पे आपको यही चीज़ सिम नॉइस कैंसिलेशन की दिखती है, ये बट स्टिकर है ठीक है। यहाँ पे आपको मिलता है एक ओरिजिनल नॉइस कैंसिलेशन के लिए, ये एक कोई कॉस्मेटिक नहीं है, इसके साथ जिफ जुड़ा हुआ है ठीक है। यहाँ पे इसकी बात कर ले तो मैग्नेट है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे खुल जाएगा ये बड्स इसके यहाँ पे, ये रहे ठीक है, ये इसके बड्स हैं। वापस इसे अटैच कर देते हैं। साउंड की बात करें तो यहाँ पे हमें नॉइस कैंसिलेशन देखने को मिलती है, एक बैटर क्वालिटी देखने को मिलती है अंदर से भी, मतलब दोनों में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। यहाँ पे हमें जस्ट एक ये मार्क्स देखने को मिलते हैं जिससे आपको पता लग जाएगा कि कौन सा ओरिजिनल है, कौन सा डुप्लीकेट है, कौन सा मार्क लेफ्ट पे होता है, कौन सा राइट पे होता है। ये आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं लगभग बिल्कुल लगभग थोड़ा थोड़ा सेम है पर अलग है दोनों ठीक है। इसे फिलहाल बंद कर देते हैं। तो यहाँ की बात करें तो साउंड क्वालिटी ऑब्वियसली ओरिजिनल में ही अच्छी आएगी पर इसकी भी बुरी नहीं है। तो चलिए एक बार इसे कनेक्ट करके देख लेते हैं हमारे फ़ोन से। तो ये हमारा टेक्नो पोवा फ़ोन जिसकी वीडियो हमने डाली भी थी, इसलिए हमने ओपन, यहाँ पे हम इसके ब्लूटूथ को कर लेते हैं ऑन, और आई थिंक ये ओरिजिनल वाला है, नहीं ये डुप्लीकेट है, तो ओरिजिनल वाले को हम कर लेते हैं ओपन। तो यहाँ पे अभी तो एयरपॉड्स आ रहा है, चलिए प्रो का वेट करते हैं। ये आ गया हमारा प्रो, इसे कर लेते हैं हम पेयर, पेयरिंग पे हो गया ये पेयर, हो रहा है। तो कितने कूल लगते हैं देखने से, मतलब अपना ही अलग ही इसमें है मज़ा ठीक है। ये जा गया पेयर का, तो ये हो गया हमारा पेयर, 100% बैटरी ठीक है, एक्टिव 100% बैटरी। इसे फिलहाल बंद कर देते हैं। यहाँ पे म्यूज़िक की बात करते हैं, म्यूज़िक बात कर ले तो बहुत ही अच्छी साउंड क्वालिटी को मिलती है। यहाँ पे जेस्टर भी मिल जाता है आपको, तो यहाँ पे आपको जेस्चर देखने को मिल जाता है, ये चीज़ मैं फोकस करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको ये चीज़ जेस्चर देखने को मिलती है, देख सकते हैं यहाँ पे पॉज हो गए, हम एक और बार टैप करेंगे, ग्लव्स की वजह से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, चलिए ग्लव्स उतार के ट्राई मारते हैं। तो ओरिजिनल की खासियत ये है, देखिए मैं एक ही बार टैप करूँगा और ये पॉज हो जाएगा, एक ही बार टैप करूँगा फिर ये ऑन हो जाएगा, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, गलत जगह टच कर रहा हूँ मैं, सॉरी, देख सकते हैं ऑन ऑफ, ये पीछे आप फोकस में देख सकते हैं। तो बट अगर हम यहाँ पे क्लोन की बात करें तो यहाँ पे आपको सेंसिटिव टच देखने को मिल जाता, तो ये एक ही बार अगर ये पेयरिंग कर रहा है, वहाँ पे कनेक्टिंग कर रहा है वो, चलिए वेट करते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे आपको पॉपअप भी देखने को दोनों में मिलता है। हाँ तो साथ में मैं आपको ये बताना चाहूँगा यार, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, और यार साथ में कमेंट भी कर देना ठीक है। हम ये 70% बैटरी है बट यहाँ पे हमें सेंसिटिव टच देखने को मिलता है। तो फॉर एग्जांपल आप सेंसिटिव सोच रहे होंगे ये क्या होता है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, कोई वीडियो ऑन करके ये गाना लगा हुआ है, ये देखिए अभी ऑन ऑफ हो नहीं रहा सही तरह से ठीक है, ये कभी हो जाएगा कभी नहीं होगा, हो ही नहीं रहा ठीक है, ये सेंसिटिव टच है ठीक है। ये देखिए मैंने रखा, हो गया ऑफ, पर मैं ट्राई कर रहा हूँ तो हो नहीं रहा, ये है इसमें आपको प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है ठीक है। अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तो जय हिंद जय भारत।